हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज हम लोगों का अगला पार्ट है क्यू एंड ए सीरीज का। आप लोगों के जिन्होंने पिछले संडे की वीडियो पे कमेंट करे हैं, उन सब लोगों के कमेंट लूंगा। और आप लोग भी कोशिश कीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उससे रिलेटेड आप लोग या जर्नल कुछ भी जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने कमेंट डालिए, तो मैं आपके जो कमेंट्स होंगे, जो भी आप लोगों की क्वेरी होगी, वो अगले संडे की वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो इसी हिसाब से सिलसिला चलता रहेगा और मैं आप लोगों की शायद इस कॉर्नर में, ये एक संडे के कॉर्नर में जर्नली आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता रहूंगा और कोशिश भी करेंगे एक संडे को रूबरू होने की। जो जो लाइव सेशन देखना चाहते हैं गुड़गांव रियल स्टेट से रिलेटेड, उसमें वो आधे घंटे की, पौने घंटे की सेल्स पिच और 10 मिनट के आपके क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपसे ही बातें होंगी। तो जो बात करना चाहता है वो कमेंट कीजिए लाइव, तो हम लोग अगले संडे को, अगर वीडियो में 20 से ज़्यादा कमेंट आते हैं लाइव के, तो जो अगला संडे आएगा उस संडे में हम 7 to 9 o'clock लाइव सेशन करेंगे और मिलेंगे आप लोगों से। चलो चलते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आप लोगों को वीडियो समझ आए तो। जतिन जी का क्वेश्चन है, सर्कल रेट्स आर इंक्रीजिंग इन गुड़गांव बाय अप टू 80%, व्हाट इंपैक्ट ऑन प्लॉट्स एंड प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सपेक्टेड। सर देखिए, 80% अभी ये नहीं बोल सकते कि हाँ 80% सर्कल रेट रिवाइज होना ही है, बट ये ऑब्वियस सी थिंग है कि अब जो है इसमें 40 to 80% इन लोगों ने बोला क्या, इसके बीच में शायद सर्कल रेट रिवाइज हो सकता है 1 जनवरी से, तो उसमें ये तो बिल्कुल मौके की बात है, क्या रेट तो इंक्रीज थोड़े बहुत आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बट जैसे जो सर्कल रेट है ना उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है प्लॉट्स पे, ठीक है। तो प्लॉट्स जब स्टिल्ट प्लस 4 नहीं है और प्लॉट्स ऑलरेडी बहुत महंगे हो चुके हैं, बहुत इंक्रीज हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। बट हाँ, गुड़गांव रियल स्टेट पर ये इम्पेक्ट ज़रूर पड़ेगा, क्या जो वाइट वैल्यू है, वाइट वैल्यू इंक्रीज होगी चीज़ों की, तो आगे जो खरीदने आएगा या जो लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, वो जो गैप था, प्लॉट रेट इतने बढ़ चुके थे और सर्कल रेट बिल्कुल नीचे थे, तो जब वो गैप बढ़ेगा तो जो खरीदने वाले आएंगे, वाइट वैल्यू की इन्वॉल्वमेंट गुड़गांव में बढ़ेगी और रियल स्टेट डेफिनेटली और भी ग्रो करेगा। इसके बाद क्वेश्चन है आनंदा जी का, appreciate your fearless work, please continue doing, thank you very much sir for your appreciation। मैं ये लेना नहीं चाहता था बट ये आ गया तो मैंने ले लिया। आप लोग जैसा प्यार बनाए रखेंगे तो डेफिनेटली बात है कि मैं ये सेशन जो है चलाता ही रहूँगा। सर, कॉन्शेंट हैबिटेट 102 आफ्टर पोजेशन सेल करना चाहिए और रखना चाहिए। शोभन जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोगों को सबको बता दूं, कॉन्शेंट हैबिटेट 102 एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि कॉन्शेंट बिल्डर द्वारा लॉन्च किया गया था। अप टू द मार्क कॉन्शेंट सारी चीज़ें अब तक करता आया है और लोकेशन भी अच्छी है सेक्टर 102 में इस बिल्डर के पास, तो मैं आप लोगों को, आपको या सभी लोगों को यही सजेशन दूंगा, इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से आप लोग रखें और जैसे जैसे आप लोगों को द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर रोड्स, ठीक है, साथ साथ में सर्विस लेन्स और इनका काम होता जाएगा, प्रोजेक्ट अपने आप में अच्छा निखर के आएगा और आप लोगों को रिटर्न देंगे। क्योंकि आप अगर फ्रीक्वेंट है, अगर आपको निकालना ही है तो, और सिर्फ आपके पास यही पैसे बचते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों, आपके पास नहीं बचते हैं और लेने के लिए। सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको होल्ड करें, साथ में इसका रेंटल यील्ड अपना शुरू करें और रेंटल से अपना काम चलाएं। एक सर का क्वेश्चन और है, यूज़र के नाम से है, अरविंद जी ऐसा सिंडाने में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। SS सिंडाना SS बिल्डर का एक प्रोजेक्ट है जो कि सेक्टर 83 में सिचुएटेड है। ये इसके जो पुरानी कंस्ट्रक्शन रही हैं बिल्डर की, काफ़ी एवरेज रही है, बट कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन ठीक भी रही हैं। प्रॉपर्टीज़ ने कुछ ने अप्रिशिएशन अच्छा किया है, कुछ हल्की अप्रिशिएट रही है, तो मिला जुला सा इसमें बिल्डर का रुझान है, बिल्डर का रुझान कह सकते हैं, बिल्डर का आप ये बोल सकते हैं कि बिल्डर का रिव्यू मिला जुला है। बट सिंडाना में क्या थोड़ा सा रहता है, सिंडाना में यही डर रहता है लोगों को, पिछली जो उस लोकेलिटी में इन लोगों ने काम किया वो काफ़ी बिलो एवरेज किया है, तो इस प्रोजेक्ट के साथ ऐसा ना हो जाए।
तो हाँ, ये आप लोगों का शक बिल्कुल ठीक है, उस हिसाब से रहना भी चाहिए। बट ये है कि उस रेट में, आज की डेट में मेरे ख्याल से 9300 पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट है, 9500 का, तो उस रेट में आज कुछ कुछ मिलता भी नहीं है। ठीक है, अपना लेआउट देख के और चीज़ मन पसंद की मिलती है माई वन स्ट्रक्चर पे, है तो एक बार कंसिडर भी कर सकते हैं। बाकी आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन एक बार ले सकते हैं। मेरा जो फाइनल टेक है ये यही है, क्या थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, बट अगर अवॉइड नहीं हो सकता है क्योंकि एसएस क्या है, अब माई वन के साथ आ रहा है, जब आपके पास ऑप्शन नहीं बचते तो आप उसको भी देख सकते हैं, इसके बजाय ओवर वैल्यू चीज़ लेने की बजाय इसको भी देख सकते हैं। रामबीर जी का क्वेश्चन है, सर सेक्टर 68 हानू अफोर्डेबल कैसा रहेगा? सर पर्सनली मैंने साइट विजिट की है, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय द साइट। साइट के बीचों बीच ही हाई टेंशन वायर है जो कि नहीं हटनी है, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि भारी हाई टेंशन वायर है, तो आई एम नॉट कन्विंस विद द बिल्डर विद हाई टेंशन एंड विद द लोकेशन। तो मैं पर्सनली अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता प्रोजेक्ट से, बट मुझे ऐसा कोई एलर्जी भी नहीं है किसी को, जिसने कर रखा है जिसने नहीं कर रखा है उसकी अपनी मर्जी है। जिसने हाई टेंशन से थोड़ी दूर देख के अच्छी तरह मास्टर प्लान किया हुआ है वो बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिल्डर एवरेज है तो देगा नहीं, देता सारी चीज़ है, पर थोड़ा सा आराम आराम से पोजीशन आती है। चीटी की स्पीड से चलने वाला बिल्डर है तो पोजीशन तो आएगी, पर आराम आराम से आएगी, चीज़ें हो जाएंगी आपकी। दीप जी का क्वेश्चन है, हीरो होम्स फेस वन पोजीशन कब तक होगा? सर पोजीशन इसका जल्दी हो जाएगा, 6 महीने में हो जाना चाहिए पोजीशन। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा डिले आपकी पोजीशन की डेट रहेगी। बाकी एक बार बिल्डर ओसी जब अप्लाई करेगा उसके बाद 6 महीने लगते हैं, अभी ओसी अप्लाई नहीं करी है, तो ओसी अप्लाई करने के बाद आप 6 महीने मान के चलो, 2-3 महीने में आ जाए बहुत बढ़िया बात, हम लोग फिर भी 2-3 महीने ज़्यादा लेके चलते हैं भाई, ज़्यादा में पोजीशन आएगी तो ओसी एप्लीकेशन के आप लेके चलो, क्या 3 से 4 महीने के अंदर ओसी एप्लीकेशन हो जानी चाहिए प्रोजेक्ट की। एच के भुटानी जी बोल रहे हैं, सर योर ऑल वीडियोज आर वेरी एजुकेशनल एंड बेनिफिशियल, प्लीज़ गाइड द फ्यूचर ऑफ बेस्टक पार्क व्यू ग्रैंड स्पा सेक्टर 81 डाउन द टाइम ऑफ 2-3 ईयर्स रिगार्ड्स। सर देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, इंक्रीज़ होता ही होता है, बट अभी क्या हुआ है जो रिसेंट टाइम चल रहे हैं इसमें प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। ऐसा नहीं है ग्रैंड स्पा में आप लोगों ने पैसा नहीं कमाया, बहुत अच्छा पैसा कमाया है ग्रैंड स्पा में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंस्टेंट इतना ही इंक्रीज़ होना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ स्लोली स्लोली यू विल गेट रिटर्न अराउंड अराउंड 5-7%, मुझे ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं। और साथ में जो आपकी रेंटल यील्ड होगी उसको जोड़ लीजिए तो ऑन एन एवरेज आपका 10-11% का 12% का रिटर्न आप निकाल पाओगे ईयरली, जो मुझे फील होता है। शायद आप उससे ज़्यादा भी निकाल पाओ क्योंकि एकदम से अप्रिशिएट हुई है, तो उसके बाद जो जो अब से रिटर्न होंगे वो मुझे ऐसा ही लगता है 2-3 साल के लिए ग्रैंड स्पा के लिए। कुलभूषण शर्मा जी का क्वेश्चन है, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ ऑन सारे होम्स। सर सारे होम्स पे व्यू शेयर करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके जिसने अब तक ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम के चैनल का लिंक ज्वाइन कर लो, उसमें जो भी बिल्डर की चीज़ें आती हैं और साथ में कोई भी इंक्वायरीज होती है टाइम टू टाइम, फ्री वेबिनार्स किए जाते हैं प्रोजेक्ट के भी, तो उसमें आप लोग जो ज्वाइन करेगा उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है वेबिनार की, तो जाके नीचे आप टेलीग्राम के लिंक ज्वाइन कर सकते हो, रियल स्टेट अपडेट्स और सारी चीज़ें डील्स अच्छी अच्छी उसमें आप लोगों को गुड़गांव रियल स्टेट रिलेटेड मिलती रहेंगी। और जो यहाँ तक आया है जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, मेहनत इतनी लगती है, तो कम से कम यही अप्रिसिएशन है क्या जो लाइक और सब्सक्राइब हो चैनल, लाइक से मेरे को पता लगता है मेरी वीडियो ने इतना अच्छा किया है। सारे होम्स पर मेरे व्यूज़ सबसे ज़्यादा ये हैं क्या, सारे होम्स की ना क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बड़ी हल्की है, वो आप सब लोगों को पता है, जो खरीद रहे हैं उनको भी पता है। ठीक है, फ्यूचर में अप्रिसिएशन मैं कहीं बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ सारे होम्स में, बट ये है जैसे सारे होम्स हो गया, ओरिस एस्टर कोर्ट कार्नेशन हो गया, मैप्स को माउंट विले हो गया, मैप्स को कासाबेला हो गया, ये ना ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पे कन्विक्शन बैठती नहीं है। ठीक है, और 37D में भी काफ़ी प्रोजेक्ट हो गए, तो इनमें ना ऐसे कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग बैठती नहीं है क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है नहीं, बट लोग लेते हैं रहते हैं, जिसका बजट उतना है वो उस हिसाब से रहेगा। अगर आप उसमें शुरू से रह रहे हैं आपको अंदाज़ा होगा कि भाई हाँ मैं ले सकता हूँ, आप पहले उसमें रेंट पे रह लीजिए 2-3 महीने, इतने में नहीं बढ़ेगी प्रॉपर्टी, 6 महीने
ठीक है, और फिर आप उसकी तरफ प्रोसीड करना ऐसी प्रॉपर्टीज़ के लिए। मेरी यही सजेशन है आपको, 6 महीने में सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा रेट अप्रिशिएट नहीं होगा 5-6 महीने में। अभी जी का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सजेस्ट रिगार्डिंग SS Sindana 83, इज इट वर्थ बाइंग कंसिडरिंग द लोकेशन एंड ऑल्सो द डार्क पास्ट ऑफ द बिल्डर। सर मैं SS Sindana के बारे में क्लियर कर चुका हूँ इसी वीडियो में, आपने पहले सुन लिया होगा मेरा स्टैंड सर सेम वही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है क्या जो चीज़ वो हो ख़राब चलती आए, बट हाँ पास्ट के हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए। बट उस टाइम पे मैं इवन कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं तो शायद कुछ सुधार आए तो आप कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस रेट में आप लोगों को तो बिल्कुल ही और हल्की चीज़ मिलेंगी। ठीक है, सारे ओम रहे जा संपदा, जो मैंने अभी प्रोजेक्ट के नाम बताए उस टाइप की चीज़ें मिलेंगी। तो उससे बेटर तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि फिर SS Sindana ही ले लो। ठीक है, कम चीज़ें सारी अप टू मार्क हैं, रह रहा है, सारी चीज़ें हैं, आपको समझ आती हैं चीज़ें तो आप ले लो। दीपक कक्कर जी का क्वेश्चन है, कैन वी कंसिडर SS Sindana फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज एट करंट प्राइस ऑफ 9250 वर्सेज आशियाना हमारा Phase 3। आशियाना हमारा Phase 3 का रेट SS Sindana से बहुत ऊपर आने वाला है जहाँ तक अभी तक की अंदाज़ा है, क्योंकि बिल्डर जो नए टावर ला रहा है उसमें स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा ला रहा है। ठीक है, अच्छे स्पेसिफिकेशन देगा, सब कुछ देगा। तो जो छोटे वाला साइज़ आता था वो करीबन 170 के आसपास, जो बड़े वाला साइज़ आता था 220-230 के आसपास, यहाँ तक की उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये रेट आएगा। सो आप आशियाना हमारा के चक्कर में दूसरे भी चीज़ें मत छोड़ देना, वो आप देख सकते हो। जी का क्वेश्चन है, सिग्नेचर ग्लोबल 81 प्राइस एप्रिशिएशन एट द टाइम ऑफ पोजीशन। सर देखिए 81 में जो इसका प्राइस है सिग्नेचर ग्लोबल का, मैं उससे बहुत ज़्यादा रिलेट इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ना रूम्स बड़े छोटे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। बट ये है कि बिल्डर अच्छा है, जब रेडी टू मूव इन होगा चीज़ें निकल के आएंगी तो पता लगेगा। एप्रिशिएशन अभी तक तो बहुत कम लोगों ने कोई 5-10 लाख रुपए कमाए होंगे, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा किसी ने 81 में कमाए हैं। और मुझे आगे दिख रहा है कि जैसे लेआउट आएंगी, चीज़ें सामने आएंगी तो लोगों की बिकनी शुरू होंगी, अगर नहीं बिकेंगी, कम बिकेंगी, कम ट्रेडिंग होगी तो एप्रिशिएशन कम आएगा उसमें। भूपेंद्र जी का क्वेश्चन है, 37D सिग्नेचर ग्लोबल मिलीनिया 3 में मेरा फ्लैट है, लॉन्ग टर्म रखना चाहिए पोजीशन के 1 साल बाद सेल कर देना चाहिए? सर बिल्कुल लॉन्ग टर्म रखना चाहिए भूपेंद्र जी आपको फ्लैट। सर व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ गार्डन सिटी एनक्लेव प्लॉट्स? अश्विनी दत्ता जी का क्वेश्चन है। सर गार्डन सिटी के जो प्लॉट्स हैं, गार्डन सिटी एनक्लेव के हैं या गार्डन सिटी आपने ये मेंशन नहीं किया, चलो मैं गार्डन सिटी ही आपको जो रेगुलर प्लॉट्स हैं उन्हीं के बारे में ही बता रहा हूँ। गार्डन सिटी के जो प्लॉट्स हैं बहुत इंक्रीज़ हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कहीं तक भी बहुत ज़्यादा डबल मारने के या 1.5 गुना होने के और चांसेस हैं। फ्यूचर लॉन्ग रन में चीज़ें बढ़ेंगी अब, तो आप उसी हिसाब से इन चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों को होल्ड कीजिए। सेलर्स मार्केट है जिसको अच्छे पैसे मिलते हैं एग्जिट करके, वो जगह जहाँ पे आपको थोड़ा कम प्राइस लगता है या कुछ और लगता है पेमेंट प्लान के हिसाब से, वहाँ जा सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ बार बार, सेलर मार्केट है जिसकी चीज़ अच्छी रेट बिक रही है, जिसने कम रेट में बुक की हुई है वो एग्जिट कर सकता है। बिस्ट प्रमोद जी, सर परीरा रामो होम्स की कंस्ट्रक्शन बहुत दिनों से स्टक है, कोई अपडेट है क्या आपके पास? सर NGT जैसे बनती है और उससे इसके अलावा सर कोई अपडेट अभी तक आई नहीं है। लास्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं एंड करूँगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे मैं अगली जो वीडियो होगी लाइव, अगर करना है तो लाइव डाल दीजिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं लाइव सेशन आपका लूँगा अगले संडे 7 बजे, सब लोग मिलेंगे फिर। वट इज़ द स्टेटस ऑफ 4-स्टोरी ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे? सर 4-स्टोरी हर एक जगह कहीं का भी फाइनल जो डिसीज़न है वो अब तक नहीं आया है। अगर सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो उसमें 3 साइट्स आपकी आती हैं जिसमें आप लोगों को शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि खट्टर साहब ने पुराने सेक्टर में तो ये कहा है, मैंने एक बयान भी देखा था उनका, क्या हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए छूट दी थी, आप उसको अपना निर्णय मत मनाओ, क्या 4 फ्लोर बन जाएंगे? तो पुराने सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा ही कम उम्मीद है, पर जो नए सेक्टर हैं जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे की आप बात कर रहे हैं, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक्सपीरियन, वेस्टरलीज जी 99, एमस्टोरिया, ठीक है ये बड़ी टाउनशिप्स हैं, तो इनमें हो सकता है क्या अलाउ कर दे, क्योंकि 9 मीटर से ऊपर रोड है। बाकी दीनदयाल का सर कन्फर्म नहीं कह सकते,
और ये भी, ये नहीं है कोई ऑफिशियल रिपोर्ट है, ये भी मैं अपने जो अभी तक देखते आए हम चीज़ें उन्हीं के हिसाब से बता रहा हूँ। वीडियो समझ आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाना। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। लाइव मिलना है तो लाइव ज़रूर लिखना। धन्यवाद।